कोरोना की महामारी से बचने के लिए हर एक आदमी व हर एक नेता समाज का अपने अपने ढंग से काम कर रहा है, लेकिन इन सबसे अलग तौर से काम कर रहे हैं जियालाबाद के कांग्रेसी विधायक रमिंदर आंवला। उन्होंने आज अपने खर्चे से एक एम्बुलेंस, एक मेडिकल किट व एक मिनी हॉस्पिटल के रूप में हरी झंडी देकर रवाना करा। इस संबंध में विधायक रविंद्र आंवला ने कहा भी यह एक मिनी हॉस्पिटल के रूप में काम करेगा और जियालाबाद विधानसभा हल्के के हर एक गाँव में यह काम करेगा। इसमें ECG व दवाइयाँ व डॉक्टर का चेकअप, जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो बिल्कुल फ्री मुहैया कराई जाएंगी और मुफ्त कराई जाएगी, किसी से कोई भी पैसा नहीं लिया जाएगा। और जल्दी ही ऐसी और एक दो गाड़ियां इलाके के लिए रवाना करी जाएगी। इस मौके उनके साथ चेयरमैन सुखविंदर सिंह काका कंबोज थे और विधायक ने क्या कहा ये सब जानने के लिए जियालाबाद से हमारे पत्रकार कृष्ण टिवाना व रिंकू कुमार की रिपोर्ट अवश्य देखिए। रमिंदर सिंह आंवला MLA हलका जलालाबाद तो उन्होंने बड़ा वड्डा उपराला किया है। इस घड़ी दे विच अपनी जेब दे विचों पैसा ला के एक बहुत वधिया एम्बूलेंस जिहदे च वेंटीलेटर फस्ट स्टेट दियां सारियां जिहड़ियां उहदे च सहूलतां मौजूद ने, ECG लैब टैसट डॉक्टर साहब नाल ने। मैं समझदा इस घड़ी दे विच बड़ी ज़्यादा इस चीज़ की लोड़ सी। अज इन्होंने इतों हरी झंडी दे के रवाना की है तो अपनी एरिए हलका जलालाबाद के हमेशा दिन रात चलती रहेगी। तो मैं समझना अच्छ बहुत ज़्यादा लोड़ सी इस चीज़ की, तो आंवला साहब ने बहुत वधिया ते वड्डा काम किया। तो मैं सारे देशवासियों खास तौर पर साडे पिंडां दे विच बॉर्डर दे विच जिहड़े बैठे है सारिआं नूं बेनती करदा है कि करोना वायरस बहुत बुरी तरह फैलता पे, आपां नूं सारिआं नूं एहतियात वरतना चाहिए और इस महामारी के खिलाफ लड़ाई दे विच सरकार दा और डॉक्टर साहिबाना दा तुसीं साथ दिओ। साडे नाल मिल के आपां सारे जने मिल के इस महामारी के खिलाफ जिहड़ी जंग है वह जित्तीए, जिवें आपां पिछले साल जित्ती है। असीं जिवें असीं पिछली बार वेंटीलेटर ते किटां ते हरेक चीज़ असीं कोशिश की है लोगों तक पहुँचाउण दी। हुण पिंडां दे विच साडे बॉर्डर दे उत्ते बहुत वड्डी समस्या, लोग हॉस्पिटलां दे विच आउण तों डर रहे आ। असीं अज एक मोबाइल हॉस्पिटल शुरू किया जिहड़ा हरेक पिंड एक एक दिन जाया करूगा और जिहड़ियां मैडिसन्स वह भी उत्थे सारिआं नूं फ्री मिलणगीआं। डॉक्टर साहिबान चैक भी फ्री करनगे, चाहे उन्होंने ECGs करानी है चाहे कुछ भी मैडिकल सहूलतां, ब्लड प्रैशर और ब्लड टैसट सारे उत्थे उन्होंने फ्री च किते जाणगे। और मैं कहना कि तुसीं सारे डॉक्टर साहिबाना का साथ दिओ और इस लड़ाई नूं आपां जित्तीए। अज एक शुरुआत है एक एम्बूलेंस के नाल, असीं कोशिश करांगे जल्दी होर एम्बूलेंसिस लिया के बाकी जिहड़ा साडा जलालाबाद दा सी सारा एरिया
जल्दी तो जल्दी कवर कर सकते फंड ये असी मैं आपके को परसनल आपके आपके को एंबूलेंस का काम यह शुरू किया होर भी सर से सुविधावान की जरूरत है कल एंबूलेंस न सर बिल्कुल ठीक है तुहाडी गल असी मेडिसिन भी फ्री देंगे ये चैकअप भी फ्री होगा और जे कि बहुत गरीब जे किसी को लोड़ पैंदी है तो असी उसकी मदद पहला भी करते हैं हुण भी करा सरकारी हॉस्पिटल की गल की जा रही है सर इत्थे सेहत सुविधावां दी सरकारी हॉस्पिटल दे विच कल असी मीटिंग की सी जिहदे विच सीएमओ साहब एसएमओ साहब और सारा प्रशासन असी इकट्ठे होए हैं उत्थे और इस वेले उत्थे सारे जिले के जिन्हें भी कोविड पेशेंट्स ने लैवल टू का उत्थे हॉस्पिटल बनया होया है और मैं समझता कि बहुत वधिया तरीके दे नाल चलता पाया डॉक्टर साहबाना नूं असी उत्थे जाके उन्हां दा मनोबल भी वधाया और इस गल दा विश्वास दवाया कि हर एक औखी घड़ी दे विच असी उन्हां दे नाल खड़े हैं जिवें डॉक्टर साहबाना नूं आपदी जान की परवाह ना करते हुए करोना वायरस के खिलाफ जिवें लड़ाई दे विच सारे लगे हुए है साथ देंदे पए है उन्हां नूं भी सलाम करते हैं और सारयां नूं अपील करते हैं कि उन्हां दे सहयोग उन्हां दा सहयोग दे बिल्कुल प्राइवेट हॉस्पिटल का भी असी पूरा ध्यान रखते हैं ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं जिथे जिथे सानू पता लगता असी पेशेंट्स भी हॉस्पिटल के भिजवा रहे हैं और ऑक्सीजन भी असी खुद मोनीटर कर रहे हैं मेडिसिन हॉस्पिटल जड़िया फतेह किटा ये भी असी आपदे कोल बनवाईया थोड़ी बहुत कमी सी असी आपदे कोल बनवा के जिथे लोड़ पैंदी असी पेशेंट्स के कोल भेजते पाए एबीएन न्यूज चैनल देखने वाले सभी दर्शकों से हम अपील करते हैं कि एबीएन न्यूज चैनल पर ऐसी ही लेटेस्ट खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद जय भारत।